हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कैन का उपयोग कैसे करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दे कैन प्ले, वो खेल सकते हैं। यू कैन लाफ, तुम हंस सकते हो। यू कैन विन, तुम जीत सकते हो। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ। बर्ड्स कैन फ्लाई, पंछी उड़ सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकती हो। होप सो आपको कैन वाले सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। आज मैंने आपके लिए नया सेंटेंसेस लाया कैन। कैन के मैंने कैसे सेंटेंसेस बनाए, आप कैसा यूज़ कर सकते हैं समझिए। कैन का मतलब होता है मैं ये कर सकती हूँ, मतलब आप अपने आप को पूछेंगे। जैसे आप हिंदी में अपने आप को पूछते हैं क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या ये मेरे से हो पाएगा, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे कैन आई डू इट। कैन आई थिंक अबाउट मै, क्या मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकता हूँ। होप सो आपको ये कैन वाले सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाएगा नहीं। और थैंक यू जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। होप सो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं पहले के, उनकी इंग्लिश इम्प्रूव हो ही रही है। वैसे तो आजकल सबको इंग्लिश आती है, पर बोलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं लोग। मीनिंग तो आता ही है सबको समझ में, फिर भी मैं चाहती हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर करें और अपनी इंग्लिश जो आती है आपको उसे इम्प्रूव करें और अच्छे से बोलिए। और भी मैं ऐसे वीडियो लाऊंगी। अगर आपको कुछ सेंटेंसेस समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉक में या फिर कभी कोई ब्लॉक में मैं आपको वो सेंटेंसेस के मीनिंग ज़रूर समझाऊंगी। और आप बताइए आपको कौन से सेंटेंसेस सीखने हैं, तो वो सेंटेंसेस मैं बना के लाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।